सो गाइस, अगर आप लोग सीखना चाहते हो वीडियो एडिटिंग, बट यहाँ पे आपके पास ये नहीं है, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग सिखाने वाले हैं आपको वीडियो एडिटिंग एकदम फ्री में, ये यूट्यूब पे, या फिर आप लोग यूट्यूब पे नहीं देख सकते तो ये वीडियो को सीधा डाउनलोड कर लो, लाइक नहीं करो, सब्सक्राइब नहीं करो, कुछ नहीं होगा, पर ये वीडियो अब तक देखो, क्योंकि ये वीडियो में आपका फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं खाता है। तो वीडियो अंत तक, वीडियो में हम लोग आपको वीडियो एडिटिंग का फुल कोर्स देने वाले हैं। हो सकता है आपको थोड़ी नॉइस मिल रही हो, पर किसी तरह एडजस्ट कर लो गाइस। मैंने माइक किस लिए खरीदा है, वीडियो एडिटिंग में हम लोग यूज करने वाले हैं विंडोज मूवी मेकर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लिखना है 2020 में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल लगता है और यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। काफ़ी सारे नए फीचर्स भी उसमें ऐड हुए हैं। तो वीडियो सब कुछ जानने के लिए वीडियो एडिटिंग का, तो वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी। तो मैं सुषमा, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सरोज टेक्नोलॉजी में। तो चलो आज कुछ मैं आपको नया सिखाता हूँ। मैं आ गया अपना लैपटॉप का स्क्रीन पे, तो यहीं पे मैं आपको अभी सिखाऊंगा वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो कहीं देखो, मैंने यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट की हुई है। तो अब मुझे इस वीडियो में मान लो सबसे पहले ऊपर अपना टेक्स्ट लिखना है सरोज कुमार नाम से, जो आप मेरे में देखते हो। तो उस टेक्स्ट को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ एक और टी का आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला टी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा टेक्स्ट आ गया। अगर मुझे छोटा टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ इसको छोटा करता हूँ और यहीं इस माउस को इस साइड ले जाऊँगा, ड्रैग करके इसको छोटा कर लिया। अब मुझे इसमें टेक्स्ट कहाँ आया, तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ अभी आपको दिख रहा होगा, क्लिक टू एडिट। इस क्लिक टू एडिट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नोट्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली कंट्रोल ए को यहाँ पर प्रेस करना है, फिर बैक स्पेस को दबा लेना है, फिर अपना टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे शुरू शुरू में मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब अस, मैंने लिख दिया, फिर मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मान लो मुझे कहीं भी इसको ले जाना है तो मैं यहाँ ले जाऊँगा, और छोटा करना है, छोटा तो नहीं होगा ये, पर मुझे घुमाना है तो मैं इस ये वहाँ पे एक छोटा सा आपको येलो कलर का एरो दिख रहा है, येलो कलर का एरो को मैं कुछ ऐसे घुमाऊँगा तो ये उस डायरेक्शन में चल जाएगा और मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। और गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मेरा आ गया है। अब मान लो यहाँ पर मुझे कुछ एनिमेशन को ऐड करना है, तो अब मैं इसको कैसे ऐड करूँगा। तो गाइस, यहाँ एनिमेशन ऐड करने के लिए मुझे यहाँ एक ओवरलेज का ऑप्शन मिला है, इस पर मैं सीधा क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ओवरलेज पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस ओवरलेज आ गया। मान लो मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, मैं ये वाला को यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करके ले आया। तो अब यहाँ पे आप लोग कमाल देखो, मैं वीडियो को पहले यहाँ पे प्ले किया हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे एक हर्ट का शेप आ जाएगा अभी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हर्ट का सिंपल शेप आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी एनिमेशन को इजीली देख सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो। तो गाइस, मान लो मुझे कुछ पार्ट में मैंने गलत बोल दिया तो उसको मुझे कटआउट करना है। अब मुझे कटआउट कैसे करना है, देखो पहले उस पार्ट को मैं ये जो वाइट है उसको मैं वहाँ ले जाऊँगा, और फिर यहाँ पे मुझे कट का बटन इस पर क्लिक कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, फिर यहाँ पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे मैं कट का ऑप्शन से कट कर लूँगा। तो ये पार्ट एक पूरा पार्ट बन चुका है, इसको मैं जहाँ ले जाना चाहूँ वहाँ ले जा सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ राइट क्लिक करूँगा, रिमूव है रिमूव पर क्लिक कर लूँगा, रिमूव पर क्लिक हो गया, वो पार्ट हम लोगों का पूरा कट हो चुका है। तो बहुत लोगों को एक वो दिक्कत आती है बीच में, हम वो लोग चाहते हैं अपना लोगो ऐड करना, पर यहाँ पे उसको लोगो ऐड करना नहीं आता। तो उसके लिए आपको सिंपली अपना मीडिया पे जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आइकन क्लिक करने के बाद जो आपका इमेज है, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्लो है। फिर यहाँ मैंने डाउनलोड्स पर चल गया, यहाँ लोगो को मैंने सेलेक्ट किया। लोगो सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा मेरा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब सो गाइस, मेरा लोगो भी टाइमलाइन में आ गया। अब मैं इस लोगो को ऊपर लिख के ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। यहाँ पे ले आने के बाद मैं उसको पूरा वीडियो का लेंथ तक पहले कर दूँगा। यहाँ छोटा सा ड्रैग अप करके यहाँ हमने इसको ड्रैग कर दिया वीडियो का लेंथ तक का। तो लगता है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया लंबा, तो मैंने इसको वीडियो का लेंथ तक का भी कर रहा हूँ। वीडियो का लेंथ तक अब तक हो गया है। अब यहाँ पे
इसको मुझे छोटा करना है, मैं देखो छोटा कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग एक एरो देख रहे हो, उस एरो पे सिंपली आपको क्लिक करना है ये छोटा कॉर्नर पे, और इसको ऐसे करना है माउस को, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके उसको जान ले जाना जो वो पूरी वीडियो में अब आ देगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरी वीडियो में ये रहेगा अभी। तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला चीज़ अब मेरी पूरी वीडियो में रह रहा है। अब मुझे बहुत लोगों को कुछ दिक्कत आता है कि उन पार्ट में कट आउट का पार्ट जो कि है उनमें हम लोग के इमेज ऐड कर सकते हैं तो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का ये पार्ट कट आउट है तो हम लोग, मुझे मान लो लोगों से तो नहीं बताता, तो मैं एक इमेज अभी आपको दिखा के दिखाता हूँ। तो ये वाला मैंने मान लो इमेज ले लिया, इस इमेज को मैं ऊपर इसके बीच में रख दूँगा। यहाँ पर देखो अब वो पार्ट जहाँ जो पार्ट कट आउट हुआ था, अब उस पार्ट के बगल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक इमेज आ गया जो कि कुछ अभी बोलेगा नहीं। अगर आपको बोलने वाला इमेज रखना है तो आपको बताऊँ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वही इमेज को चूज करना है जो आपको इमेज बोल भी रहे हैं और लिखना है। उस इमेज को चूज करने के बाद वो इमेज आपके आ जाएगा टाइमलाइन में। टाइमलाइन में आने के बाद उस इमेज को आपको ड्रैग करना है, ड्रैग ऐसे कर लो और उसको यहाँ पर फिट कर दो। तो ये फिट हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखा पाता हूँ। यहाँ पे ये फिट इजीली हो जाएगा, नहीं हो रहा तो आप लोग ऊपर भी रख सकते हो। जैसे आप लोग ऊपर रखोगे तो अब ये इमेज आपका बोलेगा भी, आपका वीडियो में बोलेगा भी और ये इमेज भी दिखेगा जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हो। तो अब ये सारा काम हम लोगों का हो जाता है, अब हम लोगों को आता है एक्सपोर्ट इमेज करना, और यहाँ पे हमें उस इमेज को एक्सपोर्ट करना नहीं आता। तो एक्सपोर्ट हम लोग बहुत लोगों की गलती होती है कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ नीचे आप लोग देखोगे बीच में नो पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा था। सो वहाँ पे मैं अभी आप लोग इमेज में आप देख रहे हो गए, यहाँ पे एक इमेज आ गई है, वैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन था। उस एक्सपोर्ट के बटन के नीचे पे आप लोग देखना, क्लिक करोगे वो फाइल ईजिली एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे लगे पे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।